दुर्ग जिले के तहसील मुख्यालय धमधा में सिविल कोर्ट का शुभारंभ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश गौतम भादुड़ी ने किया। इस अवसर पर न्यायाधीश ने कहा, न्याय के लिए लोगों को अपने आप में आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। दुर्ग जिले के तहसील मुख्यालय धमधा में सिविल कोर्ट का शुभारंभ शनिवार को उच्च न्यायालय बिलासपुर के न्यायाधीश गौतम भादुड़ी द्वारा किया गया। इस मौके पर समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि न्यायाधीश गौतम भादुड़ी ने कहा कि न्याय के लिए लोगों को अपने आप में आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। दूसरों की व्यथा को समझने का प्रयास होना चाहिए, लोगों का न्याय पर भरोसा रहना चाहिए। मुख्य अतिथि न्यायाधीश भादुड़ी ने यह भी कहा कि सिविल कोर्ट खुलने से लोगों की समय की बचत होगी, न्याय आपके द्वार की सोच साकार हो रही है। इस न्याय के मंदिर में पीड़ित व्यक्ति को उनका अधिकार मिलेगा। यहाँ अभी 797 प्रकरण है, इसके निराकरण में वरिष्ठ अधिवक्ताओं का भी सहयोग होना चाहिए। उन्होंने सिविल कोर्ट शुभारंभ पर लोगों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस मौके पर कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव, अधिवक्तागण, स्थानीय जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक शामिल रहे। पहले तो धमधा कोर्ट का ओपनिंग था, वहाँ पे सिविल कोर्ट ओपन हुआ और उसके बाद यहाँ पे लोक अदालत में यहाँ पे जो दुर्ग में हमने भीड़ देखा, लोगों में उत्साह देखा, काफ़ी भरोसा किया है लोगों ने सिस्टम पे। लोग अपने झगड़ा निपटाए, अपना केसेस को छोड़ के, मामला मुकदमा छोड़ के अपने जीवन पे ध्यान दे। काफ़ी लोग अभी जैसे दुर्ग बेंगलोर से और कहीं और दूर से, पंजाब से, वहाँ से, बिहार से सब कॉम्प्रोमाइज़ अभी हुआ है मोबाइल में, तो उसका भी लाभ लिया लोगों ने। वहाँ पे बैठे और यहाँ पे इस चीज़ का, लोक अदालत की एक सफलता की एक इस फेदर टू कैप बोल सकते हैं आप। हमारे वर्तमान स्थिति क्या है सर, केसेस का जब से राष्ट्रीय लोक अदालत चली है अभी वर्तमान में क्या है, किस तरह से आगे? वर्तमान में केसेस हो रहे हैं, इतना भीड़, इसका सक्सेस स्टोरी तो इसी से देख के ही लगता है, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और केसेस तो जो पहले होते थे, जैसे 100 केसेस हो रहे थे, अभी तो हजारों में है, 70,000 से ज़्यादा, 60-70 हज़ार केसेस। तो इससे ज्यादा लोगों का इसमें जो प्री लिटिगेशन है वो भी हो रहा है ना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेलों और कई और योजनाओं पर फोकस किया गया, कितना सकारात्मक पहल देखा गया? अभी आपको उसी का उदाहरण दिया, पंजाब से, बेंगलोर से लोग वहाँ बैठे हैं, यहाँ पे हो रहे हैं। और रेगुलर हमारे यहाँ जो केसेस होते हैं, बाहर के वकील वीडियो में अपीयर हो रहे हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट भी देखिए, अब लाइव स्ट्रीमिंग भी चालू होगी हम लोग की। सर, कोई नवाचार हो रहा, कोई योजना फोकस कर रहे हैं? हाँ हाँ, पूरी तैयारी है, हो गई है, हो किसी भी दिन लॉन्च होगा वो। हाँ, नहीं अभी नहीं, अभी ग्रेनेसियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।